नमस्कार बच्चों, प्रमति हिलव्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण पाठ अनुस्वार के बारे में ज़्यादा जानकारी पाएंगे। अनुस्वार का मतलब है नाक से उच्चारित होने वाला। अनुस्वार को नासिक्य व्यंजन कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। इसे बिंदु के रूप में भी लिखा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसका निश्चित उच्चारण नहीं होता। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, घंटा, घंटा में ट वर्ग, ट व्यंजन ट वर्ग का वर्ण है, इसलिए बिंदु का उच्चारण ट वर्ग के पंचम वर्ण ना की तरह होगा। लिखने में घंटा अथवा घंटा दोनों ही शुद्ध रूप है। अनुस्वार बिंदु लगाने का नियम। प्राचीन हिंदी में अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षरों का हलंत रूप ही मिलता था। पंचमाक्षर का मतलब है ज्ञा ज्ञा न न म। जैसे घंटा पंचम, कंभा ग्रंथ, गंगा परंतु। कंप्यूटर ने जहाँ टंकण की सुविधा, टाइपिंग की इतनी आसान हो गए है कि वही भाषा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया है। कंप्यूटर के द्वारा इतनी आसान बना दिया है कि यह भाषा में भी परिवर्तन लाने में प्रभाव हुआ है। मानक वर्तनी अथवा भाषा के पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब आधुनिक हिंदी, मानक हिंदी वर्तनी में जो हम अब हिंदी उपयोग कर रहे हैं ना, इस भाषा में अब अनुस्वार को बिंदु के रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं। हम पंचमाक्षर नहीं लिख रहे हैं। इसके कुछ नियमों को देखते हैं, जिस तरह पंचमाक्षरों को लिखते हैं, ये नियम अब हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला है, जहाँ पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग के शेष चार वर्गों में से कोई वर्ण हो तो उस पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे कि पुराने जमाने में इन क वर्ग, छ वर्ग, ठ वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के किसी भी अक्षर, कोई भी अक्षर के सामने अनुस्वार आए तो अनुस्वार के साथ हलंत का प्रयोग करके अक्षरों को, शब्दों को ऐसे ही लिखते थे। अक्षरों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग ऐसे ही होता था। मगर जैसे कंप्यूटर ने जहाँ टंकण, टाइपिंग की सुविधा बढ़ती गई, बाद में हमने इस अनुस्वार को लिखने, हलंत के साथ लिखने के बदले में अनुस्वार को बिंदु में ही प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए अब मानक हिंदी में मानक वर्तनी में, इसका मतलब आज जो हिंदी हम उपयोग कर रहे हैं उस हिंदी में हम अनुस्वार नहीं लिखते हैं, अनुस्वार के बदले में बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए अब एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, जैसे क ख ग घ ङ, क वर्ग का पंचम वर्ण ङ है। आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। शब्द है अंक, यहाँ पर देखिए अ ङ हलंत का, इसे कैसे पढ़ना है, अंक। इसमें क से पूर्व, अंक का अंतिम वर्ण है का, क से पहले ङ हलंत,
के साथ आ रहा है। जो का और क और गा दोनों क वर्ग का ही वर्ण है। इसका मतलब क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? गा। अतः गा के स्थान पर हम अनुस्वार लिख सकते हैं, जैसे कि अंक। तो आइए इसी तरह उदाहरण के साथ अन्य वर्णों में इस शब्द का जिस तरह प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग जिस तरह होता है, ये हम सीखेंगे। परीक्षा में आपको इस तरह के प्राचीन हिंदी का प्रयोग शब्दों को देकर आपको मानक हिंदी का मानक रूप लिखने के लिए कहते हैं। तो आपको इस तरह के अनुस्वार को ढूंढकर इसके जगह में बिंदु लगाना होता है, बिंदु लिखना होता है। जैसे कि पहला है आई, प्राचीन हिंदी प गा हलंत क ज पंकज, इसे मानक हिंदी में इस तरह लिखते हैं, प अनुस्वार बिंदु क ज पंकज। दूसरा है प गा हलंत का पंख, इसे मानक हिंदी में प बिंदु क पंख। तीसरा है प्राचीन हिंदी में गंगा इस तरह लिखते हैं, जैसे कि गा गा हलंत गा गंगा, मानक हिंदी में ग बिंदु नहीं तो अनुस्वार गा गंगा। चौथा है कंघा, कंघा को प्राचीन हिंदी में क गा हलंत गा कंघा, मानक हिंदी में क बिंदु घा, बिंदु को अनुस्वार भी अनुस्वार कहते हैं, कंघा। पांचवा, गा के लिए कोई शब्द नहीं है। अब हम देखते हैं च वर्ग की शब्दों को। पहला है पंच, पंच को प्राचीन हिंदी में प न्या च पंच, मानक हिंदी में प बिंदु च पंच। दूसरा है छ, प या ची पंची, मानक हिंदी में प अनुस्वार यानी बिंदु ची पंची। तीसरा है कंजन, कंजन को प्राचीन हिंदी में ख या ज न कंजन, मानक हिंदी में ख बिंदु नहीं तो अनुस्वार ज न कंजन। चौथा है मंजदार, प्राचीन हिंदी में म या ज धार मंजदार, मानक हिंदी में म बिंदु झ धार मंजदार, या के लिए कोई शब्द नहीं है। अब ट वर्ग के शब्दों के बारे में जानकारी पाएंगे। घ न टा, ये प्राचीन प्राचीन हिंदी में घंटा इस तरह लिखते हैं, ग न हलंत टा घंटा, मानक हिंदी में ग बिंदु टा घंटा। दूसरा है क न हलंत ट कंट, ये प्राचीन हिंदी में लिखते हैं, मानक हिंदी में क बिंदु ठ कंठ। तीसरा है टंडा, टंडा को प्राचीन हिंदी में ट न हलंत डा टंडा, मानक हिंदी में ट बिंदु ढ टंडा। चौथा है ढा, ढा और ना के लिए कोई शब्द नहीं है। अब हम त वर्ग के वर्णों के बारे में ज़्यादा जानकारी पाएंगे। पहला है तंतु, तंतु को प्राचीन काल में त प्राचीन हिंदी में त आधा ना त ऊ की मात्रा तंतु, मानक हिंदी में त बिंदु तु तंतु। नेक्स्ट वन
ग्रंथ को प्राचीन हिंदी में ग्र आधा ना त ग्रंथ, मानक हिंदी में ग्र बिंदु त ग्रंथ। तीसरा है फंदा, प्राचीन हिंदी में फंदा को फ आधा ना द फंदा, मानक हिंदी में फ बिंदु द फंदा। चौथा है धंधा, प्राचीन हिंदी में धंधा ध आधा ना ध धंधा, मानक हिंदी में ध बिंदु ध धंधा, ना से कोई शब्द नहीं है। पांचवा वर्ग है प वर्ग, पहला शब्द है कंपन, प्राचीन में क आधा मा प न कंपन, मानक हिंदी में क बिंदु प न कंपन। दूसरा है गुम्फित, प्राचीन हिंदी में गुम्फित को गु आधा मा फी त गुम्फित, प्राचीन अमानक हिंदी में गु बिंदु फी त गुम्फित। तीसरा है कंबल, कंबल को प्राचीन हिंदी में क आधा मा भ ल कंबल, मानक हिंदी में क बिंदु ब ल कंबल। चौथा है संभव, संभव को प्राचीन हिंदी में स आधा मा भ व संभव, आधुनिक हिंदी में स बिंदु भ मा भ व संभव, मा से कोई शब्द नहीं है। अब हम सीखते हैं नियम दो के बारे में। यदि पंचम वर्ण के बाद य व ह आता है तो, ये वर्ण आते हैं तो अनुस्वार नहीं लिखा जाता, इसका मतलब बिंदु नहीं लिख सकते हैं, हम वही पंचमाक्षर लिखना चाहिए, जैसे कि अन्य, कन्हैया, अन्वय, पुण्य, जो उच्चारण हो रहा है वही पंचमाक्षर लिखना चाहिए। अब हम सीखते हैं नियम तीन। यदि दो पंचम वर्ण एक साथ आए तो अनुस्वार नहीं लिख सकते हैं, बल्कि दोनों पंचम वर्णों को एक साथ लिखना चाहिए, जैसे सम्मेलन। यहाँ पर देखिए मा भी पंचम वर्ण है और न भी पंचम वर्ण है, यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग, बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि दो पंचम वर्णों को ही एक साथ लिखना चाहिए। वैसे ही देखिए मैंने बिन, बिन के लिए छोटा सा स्पेस देकर लिखी हूँ, यहाँ पर देखिए न दो बार आया है, न दो बार भी हम ऐसे ही पंचम वर्णों को ही लिखना चाहिए। बाद में देखिए वांग्मयी, वांग्मयी को गा भी पंचम वर्ण है और मा भी पंचम वर्ण है, इसलिए दो अनुस्वार को ऐसे ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अन्न, अन्न में न दो बार प्रयोग हुआ है, फिर भी हम दो बार न को ऐसे ही लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए निम्न, यहाँ पर म और न दो पंचमाक्षर आया है, फिर भी हम इसे ऐसे ही प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए जन्म, न और म दोनों अनुस्वार है, पंचमाक्षर है, तो यहाँ पर बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं नियम चार। यदि शब्दों में श और स आए तो उसके पूर्व अनुस्वार बिंदु ही आएगा, जैसे कंस, अंश, वंशी आदि। अब हम सीखते हैं पांचवा नियम। किसी शब्द के प्रारंभ में यदि सम उपसर्ग हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, जैसे कि सम प्लस यास संन्यास, सम प्लस सार संसार। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए बच्चों,
माँ के जगह बिंदु का उच्चारण हो रहा है। देखिए, सम प्लस हार संहार, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस कल्प संकल्प। माँ के जगह पर जहाँ हम म हलंत अनुस्वार हलंत म हलंत लिखे हैं, वहाँ पर बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो आज की क्लास में हम अनुस्वार के बारे में ज़्यादा जानकारी पा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।